जीते मैं समझो क्रिकेट की जीत हुई है, क्रिकेट के खेल की जो खूबसूरती है उसकी जीत हुई है, और तमाशाई जो यहाँ पर अपना वक्त निकाल के आए, अपने पैसे खर्च करके आए, उनका सब आना यहाँ कैश हो गया है और बहुत जबरदस्त यादें यहाँ से लेकर वो जाएंगे। और साथ साथ हम लोग भी इस दौरान नवाज तैयार, मोहम्मद वसीम विद हामिद, रिवर्स खेले, अच्छा खेले और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर, चार रन, पांच गेंद में सात रन चाहिए। व्हाट अ शॉट, किस तरह प्लान किया उन्होंने इस बॉल को, नवाज किस बॉल को जो के वो समझ रहे थे कि ऑप्शन से बाहर करेंगे, अपनी इम्प्रोवाइजेशन का जबरदस्त उन्होंने आज यहाँ पर जौहर दिखाए हैं। और बहुत ही पहले बॉल पर चार रन हासिल करके नवाज पर बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड कर दिया। लेग स्टंप पर और अपना स्टांस बहुत ज्यादा तब्दील किया, अंपायर की जानिब से कोई इशारा नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा शफल करके ऑफ स्टंप पर चले गए थे, ये देखें ऑलमोस्ट अक्रॉस, और इसलिए अंपायर ने कोई इशारा नहीं दिया क्योंकि उन्होंने अपना स्टांस बहुत ज्यादा तब्दील किया था और बहुत ज्यादा शफल करके ऑफ स्टंप पर गए थे। चार गेंदें सात रन, स्टिल ऑन, विकेट कीपर स्टंप्स के ऊपर, नवाज दौड़ते हुए, एक और क्रिस्ट, एक और रन मुकाबले में, चौका खाने के बाद जबरदस्त कमबैक नवाज का, डॉट डिलीवरी एंड अ विकेट, जी बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट, और एक बॉल जो डॉट किया है, जो आउट किया है, वो मैं समझता हूँ बहुत ही कीमती बॉल है, विद इन द स्टंप्स विकेट टू विकेट बॉल किया, बहुत आगे बॉल पिच किया हुआ था, कट के लिए जा रहे थे मोहम्मद हसन, मगर बॉल की लाइन को मिस किया और एक ऐसी शॉट खेलने की कोशिश की जो कि खेलने के उस वक्त वक्त ही था, चाहिए था आराम से खेलकर और सिंगल लेकर सुहेल खान को स्ट्राइक देते, मगर एट द स्पर ऑफ द मोमेंट आपको डिसीजन लेना पड़ता है। मोहम्मद हसन ने अच्छी इंप्रोवाइज की मगर अपनी विकेट खोकर वापस, और सबसे बड़ी बात कि एक बॉल जो जाया हुआ है, अब ये देखना है कि आजम हुसैन 55 रन किए इन्होंने और बेस्ट 14 है, 79.71 इनका स्ट्राइक रेट और एवरेज 6.88। तीन गेंदें सात रन, इससे बेहतर फाइनल मुकाबले की आप तवक्को नहीं कर सकते, इट विल गो डाउन टू द लास्ट बॉल, यकीनन आखिरी बॉल तक ये मुकाबला आप जाता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्राइक लेने के लिए आजम तैयार, नवाज चौका खाने के बाद बड़ा उम्दा कमबैक उन्होंने किया है, तारिक हारून, वरिड मैन, फराज, दूसरे लोग खड़े हुए हैं डग आउट में सामना करने के लिए तैयार, यहाँ पर आजम अपनी फील्ड को अब तक देख रहे हैं, लॉन्ग ऑफ बिल्कुल बाउंड्री पे, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, मिड विकेट बाउंड्री पे, और इन्होंने खूबसूरत स्ट्रोक खेला, फील्डर गेंद तक पहुंच रहे हैं, एक रन बना, दूसरे के लिए मुड़ना चाहते हैं, मुड़े और दो रन मुकम्मल करने में कामयाब, दो गेंदें पांच रन नजर, इट्स गेटिंग वेरी वेरी टफ, और आप ये देखें कि जो ये अपील था वाइट वाइट की अपील की थी, बैट्समैन ने भी देखा था अंपायर की तरफ, मगर उन्होंने ये देखें जिससे कहते हैं ना स्विच हिटिंग, तो उन्होंने बिल्कुल अपनी जगह छोड़कर ऑफ स्टंप से बहुत बाहर आ गए, इसलिए मैं भी अंपायर ने बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो बॉलर को दिया। दो गेंदें पांच रन, नवाज तैयार, विकेट कीपर सैफुल्ला स्टंप्स के ऊपर, अब तक फील्डिंग में तब्दीलियां, कवर को थोड़ा और कवर पॉइंट की जानिब, बल्कि पॉइंट पे कर दिया गया और वहां पे दूसरे फील्डर चले गए कवर में, और एक शॉर्ट थर्ड मैन वहां पे सईद अजमल, शॉर्ट फाइन लेग पे फवाद आलम, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट बाउंड्री पे, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ मुसलसल बाउंड्री पे, एंड डीप पॉइंट, दो गेंदें पांच रन, और उंगली फजा में बुलंद, नवाज एक और विकेट लेने में कामयाब, और अब एक और विकेट गिर गई है, आखिरी गेंद पे पांच रन चाहिए, एक और बहुत ही उमदा विकेट नवाज की, फुल पिच बॉल किया, उनके जहन में था कि आजम हुसैन अक्रॉस द लाइन इसको खेलेंगे, ये दे, और बॉल बिल्कुल मिडिल स्टंप को हिट कर रहा था, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन था एसर रजा के लिए, और इस तरह इस ओवर में दूसरी कामयाबी मोहम्मद नवाज की, और ऐसे मौके पर जबकि ये दो विकेटें जो थी, दो डॉट बॉल भी हो गए, और इससे प्रेशर दोबारा कराची वाइट्स के ऊपर आ गया। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, इन दो गेंदों पे दो सिंगल ही बने होते या स्ट्राइक सोहेल को मिली होती तो शायद इस वक्त जो है वो सूरत हाल कुछ और होती, असद शफीक बड़े परेशान और उनके तमाम साथी और मीर हमजा बैटिंग करने के लिए आए हैं, चौका लगता है तो मैच ट्राई होगा, फिर सुपर ओवर होगा, छह की इनकी एवरेज है, 40 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, छक्का लगता है तो ये जीतेंगे, और पांच रन अगर बनते हैं फिर भी ये जीतेंगे, अब देखते हैं कि होता क्या है, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, और मैं समझता हूं कि इस वक्त द रब ऑफ द ग्रीन इज विद कराची ब्लूज, और
امیر حمزہ اتنے اچھے بیٹسمین نہیں نظر آتے, بہت پریشر میں ہو گئے, ایک بال ہے اور اگر وہ چوکا بھی مار دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی بڑا کارنامہ یہ کریں گے, اور اگر چھکا مار دیتے ہیں تو پھر آپ کو شارجہ کا چھکا جاوید میاں درد کا یاد آ جائے گا. جی ہاں صحیح دھنیواد, اور آصف مصطفیٰ کا چھکا بھی یاد آئے گا, لیکن سب سے پاپولر جاوید میاں درد کا چھکا. سوئنگ کرنے میں کامیاب ہوئے بیٹ کو, کراچی وائٹ اسٹیپ کے نروس, نواز نے چوکا پہلی گیند دکھانے کے بعد شاندار کم بیک کیا. کنگریجولیشن کراچی بلو, اور بہت ہی زبردست مقابلہ کراچی بلوز نے جیتا, اور کراچی وائٹس کی ٹیم تمام تر ایفرٹ کے باوجود جو ہے وہ شارٹ رہ گئی 3 رن سے, لیکن بڑا زبردست مقابلہ دونوں ٹیموں کے درمیان ہوا. جتنی تعریف کریں دونوں ٹیموں کی وہ کم ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ ظاہر سی بات ہے کہ کراچی بلوز آر دی ونر. بہت ہی ایکسائٹنگ اور بہت ہی زبردست میچ, اینڈ آل کریڈٹ ٹو بوتھ دی کراچی ٹیمز, دے پلیڈ ایکسٹراڈنری کرکٹ, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کرکٹ کی جیت جو ہے وہ یہاں پر ملتان سٹیڈیم میں ہوئی.